एक तस्वीर जिसमें भीमराव अंबेडकर और उनकी पत्नी सविता अंबेडकर की फोटो को एक बस के ऊपर देखा जा सकता है। इसे इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि कोलंबिया यूएसए में भीमराव अंबेडकर के सम्मान में यह किया गया है। हेलो एवरीवन, दिस इज भरत नायक फ्रॉम द लॉजिकल इंडियन फैक्ट चेकिंग टीम और आज हम इस दावे की पड़ताल करेंगे। भीमराव अंबेडकर ने 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पीएचडी किया था। 1952 में उन्हें ऑनररी डिग्री मिली थी वहाँ से ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के लिए। एक ट्वीट जहाँ पर ये फोटो को शेयर किया गया है उसके कैप्शन में ये लिखा गया है, कोलंबिया अमेरिका की सड़कों पर दौड़ती सिटी बस पर बाबा साहब का चित्र यह असली सम्मान है। अमेरिका आज भी बाबा साहब को अपना आदर्श मानता है। इस फोटो को ट्विटर और फेसबुक में एक्सटेंसिवली शेयर किया गया है। अब जानते हैं इस फोटो की सच्चाई। ये जो फोटो है ये फोटोशॉप्ड है। जब हमने इस फोटो को रिवर्स इमेज सर्च किया तो हमें सेम बस की एक फोटो मिली, पर उस बस में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सविता अम्बेडकर की फोटो नहीं थी। जो बस की फोटो है वो हमें विकिमीडिया कॉमर्स वेबसाइट में मिली और ये जो फोटो है ये बात सोमरसेट इंग्लैंड में लिया गया था, ना कि कोलंबिया में। जो फोटोशॉप फोटो है और जो ओरिजिनल पिक्चर है उसके दोनों के कंपैरिजन को आप देख सकते हैं। अब आते हैं जो बी आर अम्बेडकर और सविता अम्बेडकर की जो फोटो हमें बस में दिखती है उस पर। ये जो फोटो है ये हमें 2017 के एक ब्लॉग में मिला। आप दोनों के कंपैरिजन को देख सकते हैं। तो हम इन कंक्लूजन कह सकते हैं कि जो मॉक फोटो है उसे सर्कुलेट किया जा रहा है गलत दावे के साथ। अगर आपको इस तरह का कोई भी फोटो मिलता है तो आप द लॉजिकल इंडियन के व्हाट्सएप फैक्ट चेक नंबर 6364 3343 में भेज सकते हैं। धन्यवाद।